हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ क्यूएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो 1 तारीख को 3 नोटिस आए हैं, उन नोटिस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैं बता देता हूँ कि जो मैंने डिफाइन किया था कि ऐसा होगा वैसा ही हुआ है उन नोटिस में, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ आपको केवीएस सिस्टम के बारे में अवेयरनेस और अपडेट देने का, और जो भी मैंने सीखा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने का है। और आप अगर सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ समय पहले की बात बताता हूँ। तो हुआ क्या था, बहुत सारी सीनियॉरिटी लिस्ट आनी शुरू हो गई थी हर पोस्ट की, ऑलमोस्ट PRT की, TGT, PRT म्यूज़िक की, TGT WE की, हर पोस्ट की आपकी सीनियॉरिटी लिस्ट आ रही थी। तो मैंने कहा ना, सच्चाई बहुत कम को पता है। इवन देखो, मैं प्रैक्टिकल फैक्ट कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे ही पता है, बहुतों को पता है, लेकिन जो सिस्टम में बैठे हैं ना, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, यूट्यूबर क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं, क्योंकि जॉब लगने के बाद किसी को फुर्सत ही नहीं है सोचने की कि किसका भला हो रहा है किसका बुरा। वो बस ये सोचते हैं कि हमारी जॉब अच्छे से निपटे और हम अपने परिवार के साथ टाइम इन्जॉय करें, ठीक है। तो और बाकी यूट्यूबर्स तो आपको पता ही है कि वो तिल का बाल बना ही देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, जब वो लिस्ट आ रही थी सीनियॉरिटी लिस्ट, तो बहुतों ने आकलन ऐसा करना शुरू कर दिया था कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन के पेपर पहले आएंगे, ठीक है ना। और मैंने उस समय कहा था कि हो सकता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के पेपर आए, लेकिन उन सीनियॉरिटी लिस्ट का डिपार्टमेंटल प्रमोशन से लेना देना कोई नहीं है। वो और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब उनका पे लेवल इंक्रीज करने का या फिर जो तनख्वाह बढ़ने का जो उनका बेनिफिट होता है उसका फ़ायदा है, ठीक है ना। और इस सब को बहुत अपोज किया गया था, ठीक है। आज 1 तारीख है और ये नोटिफिकेशन KVS ने, आप चाहो मेन वेबसाइट में जाके देख सकते हो, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। PRT संगीत, इसकी भी सीनियोरिटी लिस्ट आई थी, इसमें लिखा हुआ है कि किन किन का पे लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है ना। ऐसा होता है कुछ साल काम करने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है ना। मतलब हर साल इंक्रीमेंट तो होता है, लेकिन एक मिनिमम टाइम पीरियड के बाद इंक्रीज़ कर जाती है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ ये रहा, इसमें देखो ये वर्क एक्सपीरियंस टीचर का है, इसका भी इन्होंने बता रखा है, ठीक है ना। यहाँ एक ही टीचर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये है लाइब्रेरियन के, ठीक है ना, लाइब्रेरियन टीचर, ठीक है ना। उनके बारे में भी लिखा हुआ है कि किस किस का पे लेवल इंक्रीज करा है, ठीक है ना। तो यहाँ नाम लिखे हुए ये, तो बस इन सब नाम से हमें क्या लेना देना, ठीक है ना। बस मैं ये कह रहा था उस समय जो सीनियोरिटी लिस्ट आई थी कि वो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए है, और यही प्रैक्टिकल सच्चाई थी, ठीक है ना। क्योंकि अगर डिपार्टमेंटल प्रमोशन आएगा तो उस सीनियोरिटी लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रमोशन का आपको मैंने बता दिया, मानो PRT से आपको TGT बनना है तो 5 ईयर मिनिमम वर्किंग होना चाहिए आपका। आप चाहे आपके 5 साल वर्किंग हो, आपके 15 साल वर्किंग हो, दोनों पेपर में बैठेंगे, और जो पेपर में मार्क्स ले आएगा या क्वालिफाई करेगा उसी का प्रमोशन होगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह के अपडेट्स और अवेयरनेस देखने से ना, आपको सिस्टम में जाने से पहले सारी वर्किंग आपको समझ आ जाएगी, और यही इस चैनल को बनाने का प्राइम मोटो है। धन्यवाद।